बजट तो काफ़ी निराशा हुई है, पंजाब नू तो बहुत ही ज़्यादा हुई है, क्योंकि पंजाब ने ना तो फार्मर्स ना ही यूथ ना ही इंडस्ट्री एडवांटेज। पंजाब इंडस्ट्री का हब मनिया जाता है, इंडस्ट्री लिए कुछ भी नहीं सोचे उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं, तुसी आप ही देख लो। जिहड़ी स्कीम्स 2014 शुरू हुई सी उसी स्कीम से उन्होंने रिवाइव करी जाते, कभी उन्होंने उत्ते उत्ते इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुई, कोई इंप्लीमेंटेशन जी पुरानी शुरू हुई सी वह भी नहीं, उन्होंने दोबारा सिर्फ अनाउंस ही किए। बंदे उन्हें खाना खाने नहीं है, अपनी कमाई नहीं कर पा रहे, स्किल्स के उपर काम नहीं कर रहे, एजुकेशन के उपर काम नहीं कर पाए, उन्होंने जॉब्स नहीं है, तो वह की काम करेगा। सरकार को सब तो पहला काम करना चाहिए है कि बच्चा जेडे यूथ ने वो जेडे पढ़ रहे ने उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी जाए। सरकार की भी सब तो प्रायोरिटी है उन्हें जो यूथ खड़ा है पढ़ रहा है जेड़ा उन्होंने जॉब ऑपरचुनिटीज चाहिए है उन्होंने दवाए ता करके किसी चीज़ को फायदा हो सकेगा। जदों साडे कोल इंप्लॉयमेंट ही नहीं होएगी तो साडी कटौती इहदे विच की फायदा देगा। वड्डियां दी हैगी है कि हाँ भाई ठीक है कि असी सोने विच करता इलैक्ट्रॉनिक्स विच करता, जाके तुसी रूट्स दे विच देखो। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं जय कुमार। केंद्र सरकार वल्लों बजट पेश किए जा रहे हैं, पर गल करिए पंजाब दी तां पंजाब दे विच उस बजट नूं लैके जिहड़ी गल उड़ रही है कि कई लोग जिहड़े संतुष्ट भी ने, कई लोग उस तो एग्री नहीं भी ने, तां मेरे नाल रुचि बाबा जी मौजूद ने, गलबात करदे हां। मैम किवें देख रहे हो जिहड़ा केंद्र वल्लों बजट पेश किया जा रहा है, पंजाब दे विच बहुत सारे लोग नहीं इस तो एग्री ने, वे तुसीं किवें देखदे हो? पंजाब दे खाली अगर देखा जाए तो खाली पंजाब दी तरफों नहीं, बल्कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जेड़ी बजट तो खुश नहीं है गया। पंजाब दे बंदियां लई ते मैं यह कहूँगी कि किसान साड़ी जेड़ी पंजाब धरती है वह किसानां दे नाल एग्रो बेस्ड स्टेट है, उदे विच जेड़ी उम्मीदा सी कि सेंट्रल सरकार सानू एवें दी स्कीम्स लैके जे MSP दे उपर काम करेगी, बट वो बहुत ही ज़्यादा सानू डिसअपॉइंटमेंट हुई है बजट तो, क्योंकि कुछ भी मतलब सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा कि फार्मर्स इन्ने टाइम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ा नू उन्होंने उठाई सी, एडवोकेसी की सी सोशल एक्शन वास्ते, उन्होंने मतलब अपनी पूरी दिलों जान लगा लिया, इन्ने साल हो गए उन्होंने बॉर्डर ते बैठे हुए, बट किसी भी तरह उन्होंने कोई तरस नहीं आई कि मतलब पूरे परिवार किसानों के परिवार उन्होंने बिल्कुल निकल गए इस चीज़ के उपरों, बंदे उतो उन्होंने लॉस इन्नी हुई, बट सरकार ने किसी बारे नहीं सोचा, दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटमेंट। पर कई चीज़ों के कटौती भी की गई, जिमें सोने की गल कर ली, भी कटौती की, इलैक्ट्रॉनिक चीज़ों के कटौती की, लगता भी उस भी कुछ असर या इकोनॉमिक बढ़ेगी साढ़े पंजाब? जो साढ़े को इंप्लॉयमेंट ही नहीं होएगी तो साड़ी कटौती ये की फायदा देगा, जो बंदा कमा के अपनी नैसैसिटीज़ पूरी नहीं कर सकेगा, बेसिक नैसैसिटीज़ नहीं पूरी कर सकेगा, तो ये कटौती है तो वड्डियां दी हैगी है कि हाँ भाई ठीक है कि असी सोने विच करता इलैक्ट्रॉनिक्स विच करता, जाके तुसी रूट्स दे विच देखो। बंदे नू खाना खाने नू नहीं है, अपनी कमाई नहीं कर पा रहे, स्किल्स दे उपर काम नहीं कर रहे, एजुकेशन दे उपर काम नहीं कर पाए, उन्होंने जॉब्स नहीं है, तो वो की काम करेगा उन्होंने कटौती? जो बजट पेश किया गया है भी केंद्र सरकार वालों भी बहुत सारे इंप्लॉयज उन्होंने भी कहा कि इस दे नाल जिहड़ी पंजाब दी इकोनॉमिक वधेगी, की लगता है कि वधेगी कि बस गल्लां ही ने? सरकार नु सब तो पहला काम करना चाहिए है कि बच्चा जेडे यूथ ने वो जेडे पढ़ रहे ने उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी जाए। जदों असी कह रहे हैं कि साड़ी अगे आने वाली जो कहने पीढ़ी आपां कौन की काम करदे हां, आने वाली पीढ़ी लई काम कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन्स लई काम कर रहे हैं, तो कोशिश यही होंदी है कि सरकार की भी सब तो प्रायोरिटी है उन्हें जिहड़ा यूथ खड़ा है पढ़ रहा है जिहड़ा उन्होंने जॉब ऑपरचुनिटीज़ चाहिए है उन्होंने दवाए ता करके किसी चीज़ को फायदा हो सकेगा, बट अदरवाइज कोई किसी तरह तुसी कहो कि बजट तो कोई खुशहाली आई है या यूथ दे विच आई होए या फार्मर्स दे विच आई होए या किसी महंगाई दे विच आई होए, कोई किसी नू कोई या इंडस्ट्री नू भी होए हो, मैनू नहीं लगता। पंजाब इंडस्ट्री का हब मनिया जाता है, इंडस्ट्री लिए कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने,
बिल्कुल भी नहीं, तुसी आप ही देख लो कि इंडस्ट्री वास्ते उन्होंने की किया। जिहड़ी स्कीम्स 2014 शुरू हुई सी उसी स्कीम से उन्होंने रिवाइव करी जाते, कभी उन्होंने उत्ते उत्ते इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। कोई इंप्लीमेंटेशन जी पुरानी शुरू हुई सी वह भी नहीं, उन्होंने दोबारा सिर्फ अनाउंस ही किए, कुछ कुछ काम नहीं हुआ। रुचि मैम, तुसी लोगों के विचरते हो, तुहाडे कोल बहुत सारे लोग आते हैं भी, एडवाइस भी लेंदे ने, तुहाडी एनजीओ भी हैगी, बहुत सारे लोग तुहाडे टाइप दे विच बजट नूं लैके तुसी गलबात कीती होगी उन्हां नाल, उन्हां ने की राय दित्ती तुहानूं? साडे बच्चे जिहड़े कि फौज जाना चाहते, पंजाब विचों बहुत बंदे आ जिहड़े फौज भर्ती होना चाहते सी। वह अग्निवीर जिहड़ी स्कीम सी उहदे विच मैं पहले भी जदों इह स्कीम लगाई सी, मैं उस टाइम भी इस चीज़ का रिवोल्ट किया कि बई साडे बच्चे टैंपररी जॉब्स के विच नहीं आ चाहते, साढ़े बच्चे देश की भावना रखते, उन्होंने सर्व करन की भावना रखते है, उन्होंने कोई एक स्टैटिक ते उन्होंने जिम्मेवारी उन्होंने परिवार को जिम्मे था कि उन्होंने बच्चे परिवार के परिवार फौज आ सकन, बट को इन्ने बच्चे निराश है वो दे विचों। बाकी जिहड़ी तुसी अनइंप्लॉयमेंट असी काम करते हैं, मैं तो तुहानूं पहले ही दस्सिया रोजगार नहीं होएगा तो बंदा खरीदेगा कि अपनी नसैसिटीज़ नहीं पूरी कर सकेगा, तो बजट तो काफ़ी निराशा हुई है। पंजाब नूं ते बहुत ही ज़्यादा हुई है क्योंकि पंजाब के नाते फार्मर्स ना ही यूथ ना ही इंडस्ट्री एडवांटेज हुई है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसनों देनी चाहिए है, जो इस केंद्र सरकार कोई बजट पेश कर रही है तो सब तो पहले किड़िया चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखना चाहिए? सब तो पहला तो यह देखिए कि रोजगार दे उपर काम करे, क्योंकि साड़ी बहुत सारी असी मेहनत कर रहे हैं कि एजुकेशन दे उपर काम करते हैं। पंजाब सरकार दे विच देखिया जाए तो दिल्ली सरकार दे विच देखिया जाए तो तुसी देखो एजुकेशन दे उपर काम हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे बाहर क्यों जाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सब तो पहला मैं यूथ दे विच विचरदी हाँ तो मैनू पता है कि मेरे बिल्कुल दिल दे नज़दीक है कि यूथ किवें डिसअपॉइंटेड है, वो अपने देश नूं छड़ के क्यों बाहर जाना चाहते, उन्होंने एको ही गल है कि असी पढ़ लिख जावांगे बट सानू वो ऑपरचुनिटीज़ नहीं हैगियां जिहड़ियां सानू अब साडे देश तो मिलनी चाहीदी है। बट आईओ सरकार नूं अपील है कि साडी आने वाली यूथ नूं जनरेशन्स नूं प्लीज़ संभालो, तो अगर साड़ी यूथ देश की सेवा करने लिए भी अगे आना चाहती है तो उन्होंने भी संभालो। एक अज दूजा दिन हैगा भी लगता है कि जिहड़े हुण अज दा सैशन या कल दा सैशन होएगा उस दे विच कुछ पंजाब दे लई सोचा जा सकता है? वी तो होप कि सिर्फ सानू आशा ही हुंदी है, फिर असी दो दिन बाद डिसअपॉइंट हो जाने, असी अपील करते हैं सेंट्रल सरकार नू कि स्टेट सरकारां ताहीं काम कर सकते हैं जदों सेंट्रल तो सानू ग्रांट्स आन गया, सानू स्कीम्स लॉन्च हो गया, पॉलिसीज़ बनाईया जान गया, सानू स्टेट गवर्नमेंट दे विच अगे जिहड़े असी काम करते हैं साडे वर्गे रिप्रेजेंटेटिवस काम करते हैं, असी विचरने आ पब्लिक दे विच, उन्हां नू जदों असी अपनी गल दसदे हां ते एक उम्मीद होंदी है कि सेंट्रल तो साडा बजट उवें दा रिलीज़ हो ताकि साड़ी जिहड़ियां थल्ले वाली एक्टिविटीज़ हैं वो कामयाब हो सकन। तो प्लीज़ सरकार नूं, केंद्र सरकार नूं ते मैं अपील करूँगी कि बजट उवें दे बनाने चाहिए है जिहदे कि मैक्सीमम मास नूं जिहदे विच फायदा होए, ते सब तो पहला मैं यूथ नूं रिप्रेजेंट करदी हाँ ते यूथ नूं तो मैं उन्हां दी अर्जी रखदी हाँ सेंट्रल सरकार दे अगे कि उन्हां दे बारे सोचो। सुएसन मैम रुचि बाबा जिन्हां नाल गलबात कीती, बजट नूं लैके लगातार पंजाब दे विच चर्चा है ते अज वी सैशन चल रहा है ते पंजाब नूं उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पंजाब दे बारे जिहड़ा सोचा जाएगा, बजट नूं लैके तुसीं की सोचदे हो कमेंट सैक्शन दे विच अपनी राय जरूर दिओ। कैमरामैन लक्की दे नाल द सिटी हैडलाइनस जय कुमार।